नवी मुंबई शहर के शाहबाज गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां पर एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत गिरने के बाद मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को जिंदा मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। फिलहाल मौके पर NDRF, पुलिस, अग्निशमन दल और नगरपालिका के अधिकारी पहुंच गए हैं। वहीं राहत और बचाव का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पूरी घटना सेक्टर 19 बेलापुर शाहबाज गांव की बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4:50 पर उन्हें इमारत गिरने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद उनकी पूरी टीम यहां पर पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने देखा कि 2 लोग फंसे हुए थे। सैफ अली और रुखसार खातून को हमने जीवित बाहर निकाल लिया। मोहम्मद सिराज नाम का एक शख्स अभी भी लापता चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। कई टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इसके अलावा नवी मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इमारत गिरने की सूचना मिलने के बाद वे लोग यहां पर पहुंचे। इसमें 3 दुकानें और 13 फ्लैट थे। अभी तक 52 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। इसके अलावा 2 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकलने का काम किया जा रहा है। जो लोग सुरक्षित हैं उनको रेस्क्यू शेल्टर में भेज दिया गया है। इसके अलावा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग अभी 10 साल ही पुरानी बताई जा रही है। हालांकि इस घटना के पीछे क्या वजह रही, इसकी जांच की जा रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।